गुलाब सिंह जिला भरतपुर कोविड स्वास्थ्य सहायक। आज कोविड स्वास्थ्य सहायक 11 महीने का धरना बरकरार चल रहा है। 90 दिन का धरना जो दिया था शहीद स्मारक पे दिया था। सभी नेताओं को आज जोड़ लिए, सभी नेताओं से बातचीत कर ली और सबसे जो वादा खिलाफी की थी वो प्रताप सिंह खाचरियावास ने की थी। प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने कहा था कि मैं एक सच्चा राजपूत हूँ और आपके कोविड स्वास्थ्य सहायकों को सेवा बहाली करा के दूंगा, लेकिन वादा खिलाफी करने के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज 5 महीने होने को जा रहे हैं लेकिन राजस्थान सरकार से प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने बात नहीं की। दूसरी बात की थी, हमारे राजेंद्र यादव जी ने भी कहा था कि आपका बजट के समय में आप कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवा बहाली हो जाएगी, लेकिन वो राज्य मंत्री होते हुए इस प्रकार राजस्थान के नौजवान और कोविड स्वास्थ्य सहायक जिन्होंने कोरोना के समय सभी लोगों के अपनी जान पर खेलकर सभी लोगों की राजस्थान वासियों की जान बचाई, और गहलोत साहब जिस भीलवाड़ा मॉडल की बात कर रहे हैं आज वही भीलवाड़ा मॉडल बनाने वाले आज अपनी जान पर खेलकर पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और अपनी सेवा बहाली को लेकर। और मैं गहलोत सरकार से कहना चाहता हूं कि गहलोत साहब आप जिस भीलवाड़ा मॉडल का जो उदाहरण देते फिरते हो, राजस्थान के 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपनी जान पर खेलकर एवं अपने घर परिवार तन मन धन से साथ देकर आपको भीलवाड़ा मॉडल बनाया था और भारत के अंदर सेकंड नंबर पर लाया था। गहलोत साहब आज जो वार्ता हुई थी, अखिल अरोड़ा जी से बात हुई थी, वित्त सचिव थे, उन्होंने कहा था कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों 15% बोनस अंक दे दी जाएगी, लेकिन अखिल अरोड़ा साहब से ये कहना चाहता हूँ, अखिल अरोड़ा जी आप कौन सी जवानी बोलते हो? जब आप 15% बोनस देना चाहते हो तो सरकार की तरफ से नोटिस तो निकलवाओ जिससे ये रहे कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों को सरकार की तरफ से कुछ मिला है, लेकिन आपकी तो मौजवानी चलती है, 30 सेकंड से ज़्यादा बात नहीं करते हो। अरे हम वो कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं जिसको पेंडेमिक भी बिल्कुल वार्ता हो चुकी है, जो वार्ता बिल्कुल असफल है। और अखिल अरोड़ा जी मौखिक रूप से कहते हैं कि आपको 15% बोनस दिया जाएगा। मौखिक रूप से क्यों, कागजी रूप से पेश करो, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लेटर निकलवाओ।